हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डीकैथलॉन कंपनी के एक बैकपैक। ये कोई टेक बैकपैक नहीं है, होता भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा यूएसबी एक्सटेंडर केबल लगा के दिया जाता। तो ये एक हाइकिंग बैकपैक है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे डीकैथलॉन का जो ऑफिशियल वेब स्टोर है वहाँ से परचेज़ किया है। 499 रुपीज़ पड़ा मुझे इसको परचेज़ करने के लिए, और वहाँ पे पहली बार परचेज़ करने पे आपको 99 रुपीज़ का शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। वो एक कोड उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, 31 जनवरी तक ये वाला जो कोड है एप्लीकेबल है। इसका जो मॉडल नेम है वो क्यूचुआ एयरपनास 20 है। तो ये एक 20 लीटर कैपेसिटी का बैकपैक है। इसका जो वेट है 340 ग्राम्स है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। हमें यहाँ पे जो आउटर पॉकेट मिलता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे अपने पावर बैंक, फ़ोन के चार्जर और कुछ एक्सेसरीज कैरी कर सकते हैं। और जो मेन कंपार्टमेंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे हमें लैपटॉप का कोई भी कंपार्टमेंट नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये एक हाइकिंग बैकपैक है, इसलिए यहाँ पे लैपटॉप का कंपार्टमेंट हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो बैकपैक है टोटली पॉलिस्टर मटेरियल से बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है। और यहाँ पे हमें वाटरप्रूफिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो यहाँ पे जिप है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलता है, तो यहाँ पे हम जो लॉक्स है वो नहीं लगा सकते हैं। और जो वाटर बॉटल कैरी करने के लिए जगह है वो दोनों ही साइड में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक साइड में है और दूसरे साइड में भी मिलता है। तो एक में आप वाटर बॉटल और दूसरे पे अपना अम्ब्रेला वगैरह कैरी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इसकी बाकी की चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पे जो शोल्डर स्ट्रैप्स है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ज़्यादा वेट आप कैरी करेंगे तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है इस बैकपैक के साथ में। और जो चेस्ट वाला स्ट्रैप है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, और जो वेस्ट वाला स्ट्रैप है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलता है, ये एक अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा सामान अगर आप कैरी करेंगे तो काफ़ी आसान बन जाता है ये सब चीज़ें होने से। बैग काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाता है बैग को। और ये जो चीज़ है थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे ये वाला चीज़ बना के दिया गया है, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है उसको आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं इसके वजह से। तो ये हर एक जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनिक चीज़ है, ये थंब रेस्ट हमें मिल जाता है। ये थंब रेस्ट हमें अक्सर हाइकिंग बैकपैक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये ब्रांडिंग के लिए है, यहाँ पे हमें कोई भी सनग्लास कैरी करने के लिए जगह नहीं दिया गया है। तो कुछ सामान मैं इसके अंदर डाल के देख लेता हूँ कि कितना ज़्यादा सामान इसके अंदर आ जाता है। तो मैं अपने कुछ कपड़े यहाँ पर डाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या क्या सामान हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सामान मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और साथ में मैं अपना पावर बैंक भी यहाँ पे डाल के देख लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जिप कुछ इस तरीके से मिलता है, तो हम जिप को लॉक नहीं कर सकते, मतलब कि जो लॉक है वो नहीं लगा सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है सामान डालने के बाद में। और अभी भी इसमें थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो कुछ कुछ सामान और भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सामान डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैग का जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि लंबा टाइप का बैग है, थोड़ा सा चौड़ाई में थोड़ा सा कम है। और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग बैग है कहना पड़ेगा, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इस कलर के अलावा और भी कलर में बैग अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये येलो और ब्लू कलर वेरियंट में भी अवेलेबल है कॉम्बिनेशन में। और पीछे से बैग कुछ इस तरीके से दिखता है, और बैग का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 499 रुपीज़ में आप इससे अच्छा बैकपैक शायद आपको नहीं मिलेगा। और पहली बार परचेज़ करने पर आपको शिपिंग चार्जेस भी देने नहीं पड़ेंगे, तो एक्चुअल 499 प्राइस में ये आपको डिलीवर हो जाएगा। बैग को पहनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से पीछे से दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैग यहाँ पर देखने में। और इसके अलावा जो चेस्ट वाले स्ट्रैप्स हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, तो स्टेबिलिटी मिलेगा बैग को काफ़ी अच्छा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है, इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये वाला चीज़ बना के दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये वाला जो थंब रेस्ट है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलता है, ये हाइकिंग बैकपैक्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, यूनिक चीज़ है इस बैकपैक का, जो हमें हर एक बैकपैक में देखने को नहीं मिलता है। वेस्ट वाला जो स्ट्रैप है उसको भी आप लगा सकते हैं, वेस्ट वाला जो बेल्ट है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। इसका जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है उसको भी आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, हालांकि हर एक जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा जो बेल्ट्स हैं, जो स्ट्रैप्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये वाला चीज़ बना के दिया गया है,
तो ये यूनिक चीज़ है इस बैकपैक के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस बैकपैक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।